तो हाउ वंस, किस तरह, एक बार, किसी तरह, एक बार, एनी वे, खैर खैर। अगला देखते हैं, समवेयर एल्स, कहीं और, एवरीवेयर, हर कहीं हर जगह, एवरीवेयर, हर कहीं हर जगह, आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, ओके। एंड सिमिलरली, इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह, माई डॉटर गॉट एंग्री, सिमिलरली इसी तरह, ऑल द डे अलोंग, दिन भर, ऑल द डे अलोंग क्या हो जाएगा, दिन भर, ऑल द डे अलोंग दिन भर, एट दैट टाइम उस समय, एट दैट टाइम उस समय, जैसे कि हमने कहा एट दैट टाइम ही बाजिंदा मार्केट। फिर है ऑन निक ऑफ टाइम, एन वक्त पर, ऑन निक ऑफ टाइम, अपन कहते हैं ना एन वक्त पर, आई रीच देयर ऑन निक ऑफ टाइम। उसके बाद है कम वॉट में, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कम वॉट में, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो इस प्रकार से कम वॉट में। फिर उसके बाद आता है अपना सम टाइम, कभी कभार या कभी कभी, कभी कभी तुम आइसक्रीम खा लेते हो, कभी कभी तुम झूठ बोलते हो, कभी कभी तुम मार्केट जाते हो, सम टाइम यू हेल्प मी, कभी कभी तुम मेरी मदद कर देते हो, इन नट सेल, संक्षिप्त में, जैसे कि इन नट सेल, टेल मी इन नट सेल, मुझे संक्षिप्त में बताओ, कोई भी बात संक्षिप्त में, इन नट सेल। उसके बाद हो जाएगा, आगे देखते हैं फटाफट, इवेंचुअली, अंततः, अंततः हुआ है पास हो गया, इवेंचुअली अंततः हुआ है सफल हो गया, अंततः उसकी नौकरी लग गई, इवेंचुअली ही गॉट जॉब। फिर ड्यूरिंग, के दौरान, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग माई फ्रेंड्स मैरिज, मेरे फ्रेंड्स की शादी के दौरान। अगला है एलैबोरेटली, विस्तार पूर्वक, टेल मी एलैबोरेटली, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, टीच मी एलैबोरेटली, मुझे विस्तार पूर्वक पढ़ाओ, ग्रेजुअली, क्रमशः, ग्रेजुअली, कम ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यू विल प्रोग्रेस, ग्रेजुअली यू विल लर्न इंग्लिश, ओके। उसके बाद होता है आपका ग्रेजुअली के बाद हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी प्रोवाइडेड दैट, जैसे हमने कहा कि आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प मी, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बशर्ते कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा बशर्ते कि तुम मुझे चाय पिलाओ, बशर्ते कि तुम मुझे खाना बनाओ, आई विल कम टू योर होम प्रोवाइडेड दैट यू ऑफर टी फॉर मी, बशर्ते कि तुम चाय पिलाओ, ओके। देयर आफ्टर, उसके बाद, उसके बाद मैंने मिठाई खरीदी बाजार से, देयर आफ्टर आई बॉट स्वीट फ्रॉम मार्केट, उसके बाद मैंने उससे शादी कर ली, देयर आफ्टर आई मैरिड टू हर, ओके। आगे उसके बाद है ओके, रदर देन, अपेक्षाकृत, ठीक है, जैसे हम कहें कि शिमला की अपेक्षा दिल्ली ज़्यादा गर्म है, दिल्ली इज हॉट रदर देन शिमला, वैसे हम इसके लिए हॉटर देन या कूलर देन, या हम बोल देते हैं लॉन्गर देन, बिगर देन, इस प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम रदर का प्रयोग वहाँ करेंगे जब हमें लगाने के लिए कुछ इस प्रकार की सिचुएशन ना हो, जैसे मैंने कहा कि यू आर गुड रदर देन योर ब्रदर, मान लो आप बेटर देन नहीं बोल पा रहे तो आप ये भी बोल सकते हैं रदर देन। उसके बाद है डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा डजेंट मैटर हो गया, कोई बात नहीं, सिंस वैन, कब से, तुम कब से अंग्रेजी बोल रहे हो, सिंस वैन हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, तुम कब से यहाँ बैठे हो, सिंस वैन हैव यू बीन सिटिंग हेयर, तुम कब से अपना मैजिक दिखा रहे हो, सिंस वैन हैव यू बीन शोइंग योर मैजिक, ओके। सो वॉट, तो क्या, सो वॉट, तो क्या, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, सो वॉट, मैं क्या करूँ, दैट्स वॉट, वही तो, जैसे कि वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स वॉट आई सेड, वही तो मैंने कहा, इन रिटर्न ऑफ के बदले में, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ मनी, इन इन रिटर्न ऑफ योर, इन रिटर्न ऑफ माई योर कार, ठीक है, गिव मी योर बाइक इन रिटर्न ऑफ माई कार, और रिटर्न ऑफ, इन सर्च ऑफ की खोज में, ठीक है, इन सर्च ऑफ मनी, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ लाइफ, जीवन की खोज में, दैट इंडिया बेंड टू मून इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, इन सर्च ऑफ लाइफ, जीवन की खोज में, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, एवरीथिंग इज चेंज्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ सब बदल जाता है, तुम भी समय के साथ बदल जाओगे, यू विल ऑल्सो चेंज इन द कोर्स ऑफ टाइम। कहते हैं लोग समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन गलती उसकी नहीं है जो बदल गया, गलती उसकी है जो पहले जैसा रह गया। और दोस्तों एक बात और कहते हैं,
कि बदलते समय के साथ खुद को बदलते जाइए, बदलते समय के साथ खुद को बदल लीजिए, क्योंकि फिर समय बदलेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। मतलब बदलाव खुद कर लो तो अच्छी बात है, समय अगर खुद तुम्हें बदलेगा तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा।